नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप जान ही रहे हैं कि नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में महिला के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की के मामले में अचानक से एक युवक श्रीकांत त्यागी सुर्खियों में आ गया और अभद्रता से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल होने के बाद से ये मामला गर्मा जाता है। अच्छा दोस्तों, वर्चुअल दुनिया हो या फिर वास्तविक दुनिया, एक सुर से श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक्शन की मांग होने लगी। कुछ राजनेताओं से नजदीकियां सामने आई, लेकिन वो चैप्टर क्लोज हो गया। करीब 10-12 दिनों के भीतर ही पूरा गेम चेंज हो गया। अब हाल ये कि जो सांसद महेश शर्मा सख्त रवैये के बाद हीरो बने नजर आ रहे थे, अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। लगातार सफाई दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता खुल करके त्यागी फैमिली के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर गुजर, राजपूत, त्यागी और किसानों के कुछ संगठन भी श्रीकांत के पक्ष में हैं। नोएडा की सेक्टर 93B की ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ गाली गलौज की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ तो सांसद डॉक्टर महेश की पहल पर पुलिस ने एक्शन लिया। बुलडोजर से त्यागी के फ्लैट के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया और 9 अगस्त को श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस ने परिवार पे भी दबिश बढ़ाई, उसे प्रेशर किया। करीब 4 से 5 दिनों में ये मामला मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। पूरा मामला त्यागी समाज से जुड़े होने के बाद अब ये मामला जो है राजनीतिकरण में बदलता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक त्यागी बिरादरी के लोगों ने श्रीकांत के पक्ष में सभाएं की और रैलियां निकाली। अब श्रीकांत के पक्ष में राष्ट्रीय लोकदल खुल के खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप भी जड़ दिए हैं। भाजपा और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पे त्यागी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता त्रिलोक त्यागी नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पहुंचते हैं और वहां वो श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात से पहले उन्होंने श्रीकांत त्यागी के मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार पे हमला बोला था। पत्नी ने भी कहा कि सांसद के इशारे पे परेशान किया जा रहा है। ये वही पत्नी है जिसने लखनऊ में गोमती नगर इलाके में एक फ्लैट में श्रीकांत त्यागी को जब किसी दूसरी महिला के साथ देखा था तो उसने काफ़ी बुरा सीन वहाँ क्रिएट किया था और अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज की थी, करवाई थी। इससे पहले मुजफ्फरनगर जिले के कुतुबपुर गांव के निवासी किसान नेता मांगेराम त्यागी के साथ सांसद महेश शर्मा की बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया था। ऑडियो में किसान नेता श्रीकांत त्यागी से गैंगस्टर हटवाने और दूसरे युवकों को जेल से छुड़वाने की बात कर रहे हैं। जैसे ही गौतम नगर जिला न्यायालय के बलवा के आरोपियों को, ये 6 युवक होते हैं, जमानत मिलती है, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने तुरंत फोन करके ये जानकारी मांगेराम त्यागी को दी। ऑडियो में मांगेराम त्यागी चेतावनी देने के अंदाज में बात करते सुनाई देते हैं। वे सड़कों पर प्रदर्शन करने, भाजपा का इलाज करने के साथ ही सांसद से ये कहते हुए भी सुने गए कि ये मामला उनकी गले की फांस बन जाएगा, नहीं तो सारी धाराएं खत्म करवा दो। अब देखिए किस तरीके से प्रेशर करते हैं। खैर, उनको भी देखा जाएगा। वेस्ट यूपी में त्यागी काफी अहम है, उनकी स्थिति बड़ी मजबूत है। दबंग जाति के तौर पे उन्हें माना जाता है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा जिलों में त्यागियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। राष्ट्रीय लोकदल इन इलाकों में खासी सक्रिय है। ऐसे में वह त्यागी बिरादरी पे फोकस करते हुए बीजेपी को निशाने पे ले आए हैं। पश्चिम यूपी ने उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पूर्वांचल, बिहार, MP में भी त्यागी समाज से जुड़े हुए लोग सक्रिय मौजूद हैं। फिलहाल अगर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा त्यागी समाज का
राजनीति में प्रतिनिधित्व है, और इस समय देखें तो मेरठ में अश्विनी त्यागी एमएलसी हैं, गाजियाबाद के मुरादनगर से विधायक अजीत पाल त्यागी हैं, गाजियाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी पद पर है। इसके अलावा पहले शांति त्यागी पूर्व सांसद, केसी त्यागी पूर्व सांसद, राजपाल त्यागी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश त्यागी पूर्व एमएलसी, राजकुमार त्यागी पूर्व एमएलसी, सतवीर त्यागी पूर्व विधायक, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग राजनीति में हैं। यानी कि कुल मिलाकर के त्यागियों की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। पश्चिम यूपी में त्यागी अभी भाजपा के समर्थन में मानी जाती है, पहले कांग्रेस के साथ रही। इस जाति ने 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। ऐसे में कोई भी सियासी दल सीधा हमला करके अपने वोट बैंक को नुकसान करना नहीं चाहता। अब आप देखिए किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। इसका अंदाज इसी से लगता है कि बीजेपी की तरफ से केवल श्रीकांत त्यागी के दल से नहीं जुड़े होने की सूचना आई है। महेश शर्मा इकलौते सीनियर नेता रहे जिन्होंने शक्ति दिखाई, लेकिन अब वो भी बैकफुट पर है। बाकी किसी प्रमुख नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सांसद महेश शर्मा 7 अगस्त को नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बवाल के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए पहुंचते हैं, और उन्होंने अपर गृह सचिव को फोन पर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद डीएम और पुलिस कमिश्नर घटनास्थल पर पहुंचते हैं, स्थानीय विधायक भी पंकज सिंह मौके पर पहुंचते हैं। श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद सांसद के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अब उन्होंने पत्र लिख करके इसका जवाब दे दिया है। इस मामले में महेश शर्मा ने जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा है और कहा है कि सामाजिक त्यागी समाज हमेशा हमारा समर्थक रहा है और इस मामले में एक अपराधी को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इसके लिए एक स्थानीय राजनेता और अधिकारी के संरक्षण में चल रहे लोकल यूट्यूब चैनल को जिम्मेदार ठहराया है। अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा, राजपूत उत्थान सभा, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पत्र लिख करके सांसद महेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा ने 21 अगस्त को त्यागी समाज नोएडा में आंदोलन करने की भी एक घोषणा की है। आंदोलन में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के कई हिस्सों से त्यागी समाज के लोग शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। बिजनौर के कलेक्ट्रेट में समाज के लोगों ने प्रदर्शन और धरना दिया। इन लोगों ने सीएम के नाम 8 सूत्रीय ज्ञापन देकर के श्रीकांत त्यागी की पत्नी को अवैध रूप से हिरासत में रखने और श्रीकांत के खिलाफ बढ़ा चढ़ा कर धाराएं लगाने का विरोध जताते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। और उनका कहना था कि श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम और गैंगस्टर लगाना ठीक नहीं है, इससे समाज में रोष है। त्यागी समाज गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष सुरेश त्यागी ने यह भी कहा है कि ये सब राजनीतिक साजिश लग रही है। मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हरिओम त्यागी ये कहते हैं कि सांसद ने त्यागी समाज का अपमान किया है, उनसे इसका जवाब लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक समाज के शख्स को जब पुलिस अपनी कार्रवाई के घेरे में लेती है तो पूरा जो त्यागी समाज है वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं उनको देखते हुए अपने अपने बयान बना रही है। कुछ लोग चुप हैं तो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों को ये पता है कि चुप रहने में फायदा है तो कुछ लोग श्रीकांत त्यागी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये सब जो कुछ भी है ये आने वाले जो चुनाव है उसको देखते हुए एक स्ट्रेटजी तैयार की गई है। आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं लगता है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे एक ये फील आता है कि आप लोग मेरे काम को प्यार करते हैं, मुझे आप प्यार करते हैं,
जो मैं कहती हूँ जो उसे आप सुनते हैं, जो मैं कंटेंट आपके सामने रखती हूँ उसे आप प्यार करते हैं। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, अपनी राय भी दीजिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।